खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर के कुमेर से, जहां पर ग्राम पंचायत सेहत के ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से हो रही शराब की बिक्री को रुकवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर लोटन सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर उपखंडाधिकारी वर्षा मीना को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने उपखंडाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि गांव में जगह जगह गुपचुप तरीके से शराब तस्करों द्वारा शराब बेची जा रही है, जिससे गांव में अशांति का वातावरण बना हुआ है और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बन रही है। ज्ञापन में बताया कि गांव के बाहर से शराब का ठेका भी नियत समय की अवधि के बाद खुला रहता है, जिससे अवैध शराब की बिक्री करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले लोगों को पकड़कर थाना पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं, जिसके बाद भी शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा बिना कोई सख्त कार्रवाई किए उन्हें छोड़ा दिया जाता है, जिससे शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि रतन सिंह ने बताया कि शराब तस्करों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़, झूठे मुकदमे करने में मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे समस्त ग्रामीण परेशान है। अवैध शराब से गांव के भविष्य का भविष्य खराब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रामेश्वर फौजदार, भरतपुर, राजस्थान। क्यों देना चाहते हो? हमारे गांव सेहत में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरा है और हमारे जन समूह के लिए खतरा है। और वो लोग जब हम मना करते हैं तो वो लोग हमें धमकियां देते हैं, हमारे बच्चों को भटकाते हैं, ये कहते हैं गोली मार देंगे, हम छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर देंगे। अवैध शराब वालों के ये बयान है, इसलिए हम एजीएम साहब के लिए ज्ञापन देने आए। कुमेर तक भी यहाँ सहमत हैं। एफआईआर के दौरान आपको क्या कहा गया? जब आपने थाने में अपनी बात रखी तब वहाँ से क्या कहा गया? नहीं, वहाँ से कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो अब इनसे क्या अपेक्षा चाहते हो आप? प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं। क्या खत्म हुआ है वो ठेका बंद, दारू बंद होनी चाहिए।